10:30 के करीब उसको मतलब कि डेढ़ दो घंटे वहीं से मारते मारते ले गया, यहाँ लाठी डंडो से मतलब कि अधमरा सांस ही चल रहा था उसका, मार के उसने मतलब कि वो मतलब कि गैल ही मतलब कि चले गई। एक जय प्रकाश, जय भगवान, जैसे दो अन्य साथी थे जिनका मतलब कि वो भी मतलब कि उनके नाम नहीं जानता, वो उनके मतलब कि गांव के थे, मोहल्ले के। वो मतलब कि उसके बाद ही दोपहर के उसको मतलब कि पानी वो करा रहा था, जैसे चीज बच रही, दर्द रो रहा प्यारा, और उसकी किसी ने गौर न कही। पुलिस से फोन किया था, पुलिस ने कि हम क्या कर रहे हैं, तुमने मार दिया था, कितनी लगी वो चलने लाख, वो तुम्हें मजिस्ट्रेट को पेश होना। नहीं जी, वो चलने फिरने लायक नहीं था, तो घाट में नहीं पड़ा था वो। हाँ जी, किया देवर, वो सबरे देवर वो ही लगे जो पहले मतलब कि उस बात को उसे खुंदक थी। हाँ, हमसे। अच्छा। हाँ, अब मैंने SHO सदर थाना में मैंने करवाया जो बयान, जो मुजरिम है वो पकड़ चुके हैं, फिर अब आगे मेरी सख्त कार्रवाई की जाए। लड़ाई झगड़ो भैया, अब यू लोनिया रह रही हैं तीन। मम्मी मार पीट है तो रह रही हैं जी, देखो लोनिया रह रही है तो देखभाल के लिए रह रही है। लड़ाई झगड़े में वो नो कहवे तू यहां घर भेज। घर भी अब वो छोरा को भी घर बगर को ऊपर बीच को छोरा मरबो, फिर वो जेल चलोगा, बहू छोड़ के चली गई, वो दूसरी जगह बैठ गई। वो बोले भाई तुम वो घर में भी ना रहने दे, पसंद दे तो मेरे हिस्सा कर दे तुम, चाहे मैं अपने बे कुचा रहूं वहां। कुछ तो यार घर के ऊपर झूठ बाजो भैया, और कुछ चीज यू